और हमने अपना कहा कि हम ये कारगिल में लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए निकाल दिया। हमारे दौर में इंडिया के दो वजीर आजम यहाँ पाकिस्तान तशरीफ लाए। हर दफ़ा अल्लाह के फजल व करम से हम आए, हमने अच्छे अच्छे काम किए, मुल्क व कौम की तरक्की वाले काम किए और हर दफ़ा हमें निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? कम से कम मुझे पता लगना चाहिए कि 1993 में क्यों निकाला गया, मुझे पता लगना चाहिए कि 1999 में क्यों निकाला गया, कि हमने जो है वो मामलात को सही तरह संभाला और हमने अपना कहा कि हम ये कारगिल में लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए निकाल दिया। इसलिए निकाला है, हम सही थे। आज वक्त साबित कर रहा है कि हम सही थे, हमने सही काम किया था, वो फैसला भी हमारा सही था। तो मुल्क की बात आती है तो पाकिस्तान की सलामती की बात आती है, पाकिस्तान की इज्जत की बात आती है, वकार को बुलंद करने की बात आती है। हम पीछे नहीं हटते, हमने आगे बढ़ के एटमी धमाके भी किए, चाहे वो दुनिया को पसंद आए या नहीं आए, लेकिन पाकिस्तान तो अल्लाह के फजल करम से मजबूत हो गया और महफूज हो गया। आज किसी की जरूरत नहीं है कि वो खुदा ना खास्ता आपके ऊपर चढ़ दौड़े या आपको मैली आंख से देखे। हमारे दौर में इंडिया के दो वजीर आजम यहाँ पाकिस्तान तशरीफ लाए, मोदी साहब और वाजपेयी साहब, इससे पहले कब कभी कोई आया था? पता लगना चाहिए कि कब कभी कोई आया था। ये भी एक सिर्फ इक्तसादी और जो मुआशी तरक्की की बात नहीं होती, हर शोबे में आपको कारकर्दगी दिखानी पड़ती है और दिखानी चाहिए। और ये कैसे मुमकिन है कि आपके जो है वो हमसाए तो आपसे नाराज़ हों या आप उनसे नाराज़ हों और उस नाराज़गी के अंदर आप रह के तो आप दुनिया में कोई मकाम हासिल करें? आप अपने मामलात को, हमें इंडिया के साथ भी ठीक करना है, अपने मामलात को हमने अफ़गानिस्तान के साथ भी ठीक करना है, हमने अपने मामलात को ईरान के साथ भी मजबूत करना है, हमने अपने मामलात को जो है वो चाइना के साथ और ज़्यादा बेहतर करना है और मजबूत करना है। यहाँ तो हमारे पीछे सीपैक को भी सेबोटाज करने की कोशिश की गई। हम बहुत पीछे रह गए, बेहद पीछे रह गए। हम अपने दुनिया के ममालिक से, अपने इर्द गिर्द के ममालिक से हमें शर्म आती है आज, वो कहाँ जा रहे हैं और हम कहाँ हैं। ये बड़ी सोचने वाली बात है।